हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन के बारे में जिसका नाम है MSH। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम MSH के जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे, ये जानेंगे कि MSH कहाँ से सीक्रेट होता है, और ये भी बात करेंगे कि MSH का हमारी स्किन के कलर को लेकर के क्या खास रोल पाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ MSH के हार्मोन। मैं हूँ आपका फ्रेंड शांतनु डाबी, और चलिए शुरू करते हैं MSH के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, जो MSH है, इस हार्मोन का पूरा नाम क्या है। तो जैसा कि हर हार्मोन के नेम का एब्रीविएशन होता है, इसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके नाम में ही इसका काम बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये मेलेनोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि ये MSH जो है ये कहाँ से सीक्रेट होता है। अब देखिए, यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ह्यूमन के अंदर ये जो हार्मोन है, ह्यूमन में ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, ठीक है। लेकिन जो और जो ऑर्गेनिज्म है जिनके, और खास करके उन ऑर्गेनिज्म में जिनके अंदर स्किन का जो कलर है, बिकॉज जैसा कि हम देख पा रहे हैं MSH इज टोटली डेडिकेटेड विद द फंक्शन ऑफ स्किन कलर चेंज, मेलेनोसाइट्स को कंट्रोल करने वाला हार्मोन है। तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका जो मेन रोल है वो स्किन के कलर के चेंज के अंदर होगा। तो ह्यूमन के अलावा बाकी जो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर पिट्यूटरी में तीन लोब पाए जाते हैं, एंटीरियर लोब, मिड लोब और पोस्टीरियर लोब, उनमें ये मिड लोब से सीक्रेट होता है। अदर की अगर हम बात करें इन जनरल, तो ये मिड लोब से सीक्रेट होता है, मिड लोब से MSH सीक्रेट होता है, जबकि ह्यूमन में एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, बिकॉज ह्यूमन में मिड लोब नहीं मिलता, और मिलता भी है तो बहुत ही नेग्लिजिबल, बिल्कुल एकदम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की, एकदम झिल्ली जैसा मिलता है, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी लोकेशन की कि कहाँ से सीक्रेट होता है MSH। अब हम बात करते हैं इसके जो अदर नेम है। देखिए, चूंकि ये हार्मोन मिड लोब से सीक्रेट होता है, और मिड लोब को हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, तो इसे यहां पर इंटरमीडिन भी बोला जाता है, इंटरमीडिन। इसका एक और नाम हम बोल सकते हैं इंटरमीडिन, इसका जो दूसरा नाम है यहाँ पे इंटरमीडिन भी बोला जा सकता है। अब इसके दो फॉर्म्स होते हैं, वैसे तो तीन होते हैं, अल्फा, बीटा और गैमा, लेकिन गैमा के बारे में अभी इतना क्लियर नहीं है, बिकॉज हम उसे अभी आइसोलेट नहीं कर पाए। अल्फा और बीटा को जान लिया गया अच्छे से। अल्फा MSH और बीटा MSH, ये दो क्लियर आइसोफॉर्म्स इसके पाए जाते हैं, ठीक है। जो अल्फा MSH है वो 13 अमीनो एसिड का है, जबकि जो बीटा MSH है वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा है, यानी ये 18 अमीनो एसिड्स का मिलकर के बना है। और चूंकि जैसा कि मैंने अभी कहा ये अमीनो एसिड से मिलकर के बना है, तो ये जो हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, यानी कोई ग्लाइकोप्रोटीन और इस तरह का कोई फैट इस तरह से नहीं है, ओनली एंड ओनली पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें 13 से 18 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब ये जो 13 अमीनो एसिड है, अगर आपको पहले याद हो, हमने जब ACTH पढ़ा था, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक, जिसमें 39 अमीनो एसिड थे, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ACTH हार्मोन की स्ट्रक्चर के जो पहले 13 अमीनो एसिड हैं वो मैच करते हैं MSH से, अगर आपको याद हो तो। अगर आपने किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। ACTH हार्मोन के जो 39 अमीनो एसिड है उसमें से आउट ऑफ 39, 13 की मैचिंग होती है, और यही कारण है कि हमने कुशिंग डिजीज़ के अंदर, ये बात हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ACTH के हाइपर सीक्रेशन से जो डिजीज़ होती है, जिसे हम बोलते हैं कुशिंग डिजीज़, और उस कुशिंग डिजीज़ में एक इम्पॉर्टेंट लक्षण जो निकल के आता है, करेक्टर निकल के आता है, वो ये आता है कि कुशिंग डिजीज़ में स्किन में पिगमेंटेशन हो जाता है। जब साइंटिस्ट ने इसको फिगर आउट किया, डिस्कस किया, तो ये संभावना जताई, ये एक अंडरलाइन करने वाली बात निकल के आएगी कि क्योंकि ACTH के जो पहले 13 अमीनो एसिड अब एग्जैक्ट मैच करते हैं MSH से, तो शायद जब हाइपर सीक्रेशन जब हो जाएगा ACTH का, तब वो MSH जैसा काम करने लगे, ठीक है।
ठीक है। तो कुशिंग डिजीज में ये जो पिगमेंटेशन वाली कहानी है ये हमें स्पेशली कंसीडर करनी है, और ये बात ध्यान रखनी है कि ACTH की 13 out of 39 फर्स्ट 13 अमीनो एसिड आर टोटली मैचिंग विद अल्फा एसिड, ठीक है। अच्छा, इवन अल्फा और बीटा में भी 7 अमीनो एसिड जो है वो ओवरलैप करते हैं, 7 अमीनो एसिड यानी कॉमन है, ये 7 अमीनो एसिड कॉमन, यानी 18 में से 7 तो एकदम एग्जैक्ट है, 13 और 18 में से 7 दोनों के कॉमन है, क्लियर है। तो ये अभी मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इस बात को, इससे ये पता चलता है कि दोनों जो जीन है MSH की वो किसी एक कॉमन जीन से इवॉल्व होकर के बनी है, तभी ज़्यादातर अमीनो एसिड मैच कर रहे हैं। और जब भी इसका इवोल्यूशन हुआ तो इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए, कुछ म्यूटेशन हुए, जिससे कुछ बाकी जो चेंजेस है उसकी वजह से कभी पहले केवल एक जीन मिलती थी, अपन मान लेते अल्फा मिलती थी, उनमें म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन होने से बीटा बन गई, ठीक है। जीन्स का इवोल्यूशन है वो इसी तरह से होता है, जीन्स का डुप्लीकेशन जो होता है, एक जीन पहले एक काम करती है, जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स में डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है वही जीन अपने समान काम करने के लिए डुप्लीकेट होकर के डिफरेंट डिफरेंट काम करने लगती है, लेकिन वो सारे काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए अब इसका काम क्या है ये हम पढ़ते हैं, इसका फंक्शन क्या है। तो जैसा कि बताया, इसका जो पहला काम है वो मैं आपको बताता हूँ, स्किन पिगमेंटेशन, यही इसका मेन काम है, स्किन का पिगमेंटेशन। अब ये देखिए कैसे करता है, स्किन पिगमेंटेशन पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, स्किन पिगमेंटेशन कैसे करता है। ये जो हार्मोन है, ऐसा माना जाता है कि ये जो MSH है ये एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट करती है, जहां हम बोल रहे हैं कई मामलों में स्किन भी सीक्रेट करती है, ठीक है। ये जो दोनों है ये MSH के जरिए जहां जब यूवी रेडिएशन मिलेंगे, जब भी स्किन पर यूवी रेडिएशन मिलेंगे, अल्ट्रावायलेट रेज मिलेंगी, उस कंडीशन में MSH का जो एक्सप्रेशन है, MSH का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और MSH के लेवल से जो मिलेनोसाइट है उनके अंदर मिलेनिन का जो प्रोडक्शन है, मिलेनिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, और जब मिलेनिन बढ़ेगा तो स्किन होगी डार्क कलर की, ऐसा इसका रोल माना जाता है, ठीक है। कुछ जीव हैं, खास करके जिन जीवों की मैं बात कर रहा हूँ जिनके अंदर स्किन का जो कलर है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, जैसे मैं गिरगिट की बात करूँ, क्योंकि उनको वातावरण, जिस वातावरण में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है, या फिर जो कैमोफ्लेज शो करते हैं, जो कैमोफ्लेज शो करते हैं उनके बारे में, तो उनमें क्या है, उनमें ये जो मिलेनोफोर्स हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये एक सेल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये मिलेनिन के जो पिगमेंट्स हैं, हम सब जानते हैं इस ये न्यूक्लियस के अंदर ये मिलेनिन जीन पाई जाएगी और ये मिलेनिन के कण हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ ये एक सेल है, सेम सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ पर मिलेनिन जो है वो एक जगह इकट्ठा हो गया है, क्लियर है। तो ये जो फ्लो है, ये जो चेंजेस है, ये इस वजह से होता है। तो कौन करेगा, जो MSH है, MSH ये वाला काम करता है MSH, और इसके उलट जो दूसरा हार्मोन है वो ये करता है मेलाटोनिन। अब ये मेलाटोनिन और इसकी कहानी सुनिए, देखिए जब, अब हम मान लेते हैं कि सेल के अंदर जितना मेलानिन है उतना है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, MSH क्या करता है, उस मेलानिन के पिगमेंट को पूरी सेल में बिखेर देता है, और बिखेरने से ये स्किन का कलर क्या हो जाता है, डार्क टोन प्राप्त कर लेता है, यानी सेल के अंदर जितने भी मिलेनिन के कण वो अगर इक्वली डिस्पर्स हो जाएंगे तो MSH बन जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मेलाटोनिन, अब ये मेलाटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये पीनियल ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और ये किससे होता है, पिट्यूटरी से, ठीक है। तो ये मेलाटोनिन इसके जस्ट उल्टा काम करता है, ये क्या करता है, सारे पिगमेंट्स को न्यूक्लियस के चारों तरफ इकट्ठा कर देता है,
तो यहां पे क्या हो जाएगा, लाइट टोन। ठीक है, ये काम कब होगा, जब यूवी किरणें पड़ेंगी। सीधी सी बात है, यूवी जब जाएगी तो एमएसएच जो हार्मोन है वो सीक्रेट होगा, सीक्रेट होके स्किन के कलर में जो सेल है उसके अंदर जो मेलानिन है उससे इक्वली डिस्पर्स कर देगा। इक्वली डिस्टर्ब होने से, डिस्पर्स होने से जो स्किन सेल का जो टोन है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, और जब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे तब थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से स्किन के कलर के अंदर चेंजेस मिल सकते हैं। और मेलेटोनिन है वो पीनियल ग्लैंड, इसीलिए अच्छा मेलेटोनिन कब सीक्रेट होता है, जब हम सोते हैं, जब हम नींद लेते हैं तब मेलेटोनिन सीक्रेट होता है। या अच्छा इसकी खास बात क्या है, मेलेटोनिन जब हम, मैंने कहा कि मेलेटोनिन कब सीक्रेट होता है, जब हम स्लीप लेते हैं। अच्छा मेलेटोनिन की बेटर हेल्थ के लिए क्या हो, और स्लीप कब आती है, जब हम क्या करते हैं, डार्क को फेस करते हैं, अंधेरे को करते हैं, यानी ब्राइट लाइट नहीं, यानी यूवी लाइट नहीं होगी, तो जब अंधेरा होता है तभी हमें नींद आती है। बिकॉज जब अंधेरा होता है वैसे वैसे हमारी बॉडी के अंदर पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन बिल्डअप करती है, और मेलेटोनिन है, अच्छा ये जो रोल है ह्यूमन में कितना है ये अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन हम जनरली जानते हैं कि जब हम अंधेरे में नहीं, जब हम धूप में नहीं जाते तो हमारा स्किन टोन थोड़ा सा फेयर हो जाता है, और जब हम धूप में जाते हैं तो ये जो मेलेनिन है, ये देखिए हमारे प्रोटेक्शन के लिए जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्किन के अंदर ये यूवी पेनेट्रेट नहीं करे, इसलिए सेल के अंदर जितने भी एग्जिस्टिंग मेलेनोसाइट्स हैं, मेलेनिन है, वो पूरी सेल के अंदर फैल के उस सेल की, उस ऑर्गन की, उस स्किन की रक्षा करता है। ठीक है, तो खास करके ये जो मेटाक्रोसिस है, ये जो इवेंट है, ये किसमें मिलता है, मेटाक्रोसिस जहाँ होता है जिसमें रंग बदलने की, कलर चेंजिंग जो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मेटाक्रोसिस। ठीक है, मेटाक्रोसिस में क्या है, कलर चेंज एबिलिटी जिसमें होती है, कलर चेंज एबिलिटी वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, खासकर रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन में, एम्फीबिया में होती है, जैसे हमने उसमें देखा किलोटिस है, फ्रॉक्स में भी होती है, ठीक है, एम्फीबिया है, इवन फिशेज में भी होती हैं, और रेप्टाइल्स में तो है ही, रेप्टाइल्स तो मेन है इसमें, रेप्टाइल्स के अंदर भी ये पाई जाती है। तो एमएसएच और मेलेटोनिन दोनों ही स्किन कलर के चेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसका रेगुलेशन है हम सब जानते हैं, बिकॉज चूंकि एमएसएच है तो एमएसएच आरएच क्या करेगा, एमएसएच को सीक्रेट होने के लिए प्रेरित करेगा। और खास बात क्या है, इसका इनिबिशन डायरेक्ट फीडबैक नहीं होता, ठीक है, तो ये लिखने वाली बात है, नो फीडबैक रेगुलेशन, ऐसा नहीं है कि स्किन का कलर ज़्यादा हो गया तो वापस ऐसा कर देगा, नहीं, जब, ठीक है, तो ये हमें समझने वाली बात है कि देर इज़ नो फीडबैक रेगुलेशन। ठीक है, तो ये था अदर वर्टिब्रेट्स में मिड पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले और ह्यूमन में इंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होने वाले एक जरूरी हार्मोन एमएसएच के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो से एमएसएच के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मेरे इस चैनल से आपके नॉलेज में कहीं भी अगर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो आने वाले वीडियो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।